आज एक सुखद बात यह थी कि अदालत चाह रही थी कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाए, लेकिन ट्रांसलेशन के नाम पे और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ट्रांसलेशन 2017 में कोर्ट के समक्ष पेश किए थे उसके करेक्टनेस पे, उसकी शुद्धता पर सवाल उठाते उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और पढ़ने के लिए मुझे 8 वीक्स का टाइम और दिया जाए और 8 वीक्स के बाद वो बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। अदालत चाहती थी कि इस मामले को, पहले जो आदेश था अदालत का कि ऑफिशियल ट्रांसलेशन के द्वारा सारे अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए, अदालत चाहती थी कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते इसकी सुनवाई शुरू की जाए और सारे पक्ष के वकीलों से कहा कि अगर ट्रांसलेशन के करेक्टनेस पे आप सहमत हो जाएं कि जो करेक्ट पोर्शन है और आपको किसी तरह की आपत्ति उसके करेक्टनेस पे नहीं है तो पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जा सकती है। इस अदालत के इस सुझाव पर डॉक्टर राजीव धवन, जो मोहम्मद इस्माइल के तरफ से सिद्दीकी के तरफ से अपीयर कर रहे हैं, और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से जो राजीव धवन अपीयर कर रहे हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने बताया कि नहीं साहब, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए पढ़ने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जाए